provision relating to AMT. AMT means alternate minimum tax. MAT, minimum alternate tax, is applicable to companies, but other than companies, that is every non-corporate taxpayer, the provision of AMT, alternate minimum tax, is applicable. Which means that AMT is applicable to individual, HUF, association of person, body of individual, artificial judicial person, if adjusted total income exceeds 20 lakh rupees. The provision of AMT shall be applicable to partnership firm irrespective of its income. Okay, so provision of AMT kab apply hoga? The provision of AMT shall be applicable if the person has claimed deduction under section 35 AD, person has claimed deduction under section 10AA, or person has claimed deduction under section 80H to 80RRB other than ATP, which means अगर कोई भी पर्सन ने ए टी एच से ए टी आर आर बी के सारे डिडक्शन जो भी एप्लीकेबल हो गए वो क्लेम किए होंगे अदर देन ए टी पी, मतलब ए टी पी जो किया होगा तो वो स्कीम को एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन ए टी एच से ए टी आर आर बी के कोई भी डिडक्शन क्लेम किए होंगे तो उनको ए एम टी का प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा. ओके, वॉट इज़ द रेट ऑफ ए एम टी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का रेट क्या होगा? तो द रेट ऑफ ए एम टी विल बी 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम और 9% इफ पर्सन कैरिंग ऑन सर्विसेज रिलेटिंग टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर और इफ हिज टोटल इनकम डिराइव फ्रॉम कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज. अगर कोई भी पर्सन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में सर्विस कर रहा है और उसकी पूरी के पूरी इनकम फॉरेन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में है तो उसको 9% एप्लीकेबल होगा और अदर देन दिस 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम. ओके, अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम? एडजस्टेड टोटल इनकम का मीनिंग है टैक्सेबल इनकम जो भी आती है वो, प्लस अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80H टू 80RRB अदर देन ATP, प्लस अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, प्लस अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA. तो टैक्सेबल इनकम ये तीनों के तीनों डिडक्शन हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा एडजस्टेड टोटल इनकम. तो हम ये एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% और 9% जो भी एप्लीकेबल हैगा वो हम प्रोविज़न में अप्लाई करेंगे. ओके, अब व्हाट इज़ द टैक्स लायबिलिटी ऑफ AMT? अब AMT की टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? तो AMT की टैक्स लायबिलिटी इस तरह से होगी, हायर ऑफ द फॉलोइंग, विच मीन्स दैट the tax liability of the AMT will be higher of the following. First, tax liability as per normal provision, which means under the income tax law, or tax liability under the AMT provision, which means 18% or 9% of adjusted total income, whichever is higher. जो भी higher होगा वो alternate minimum tax के अंदर liable होगा और उसकी tax liability वो मानी जाएगी. अगर कोई भी पर्सन का AMT से टैक्स ज़्यादा आ रहा है तो उसको AMT प्रोविज़न एप्लीकेबल तो हुआ ही, और उसे टैक्स किस हिसाब से पे करना हुआ? AMT के हिसाब से. तो जो एक्सेस अमाउंट आई ओवर एंड अबव नॉर्मल टैक्स प्रोविज़न, तो वो जो एक्सेस अमाउंट है वो उसे AMT क्रेडिट के लिए माना जाएगा, विच मीन्स वो AMT क्रेडिट में एंटाइटलमेंट होगा. तो ये सारा होगा AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का प्रोविज़न. थैंक यू.